हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दी चैनल केमिस्ट्री विद वंशिका। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएससी 6 सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एंड बिफोर बिगनिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे अदर टॉपिक्स जो हैं आपके बीएससी 6 सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे एंड यू जस्ट गो एंड प्रैक्टिस देम फॉर योर एग्जाम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ द बोहर मैग्नेटॉन इज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो बोहर मैग्नेटॉन है उसकी वैल्यू क्या होती है। इट्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन आर एग्जाम्स। तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है कि जो बोहर मैग्नेटॉन होता है उसकी वैल्यू इन एग्जैक्ट क्या होती है। तो इट्स वैल्यू इज EH अपॉन 4πm। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज। आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द ऑप्शन नंबर बी इज गिवन ओवर हियर, दैट इज बी अपॉन एच। द करेक्ट आंसर विल बी बी बाय एच। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायामैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, डायामैग्नेटिज्म इट्स ऑलवेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जब नहीं होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एक भी प्रेजेंट नहीं होते, तब हम बोलते हैं कि वो डायामैग्नेटिक है। तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होता, इट्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायामैग्नेटिज्म। द ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन गाइस मेथड। गाइस मेथड में आपसे पूछा जा रहा है फॉर डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए गाइस मेथड में द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉप पार्ट, जो टॉप पार्ट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, उसे हम जो फाइंड करते हैं या वो उसकी वैल्यू क्या होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वो जीरो होती है, इट्स ऑलवेज जीरो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दैट हेयर इट इज द वैल्यू ऑफ लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो वैल्यू है किसकी, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर की, वो क्या होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, जैसे हम G से डिनोट करते हैं उस फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, उस लैंडे स्प्लिटिंग की जो फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो वो आपकी 2 होती है ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर निकल 2+ आयन। आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है निकल 2+ आयन के लिए। तो आपको फार्मूला आई होप पता होगा कि जो अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, रूट एन एन प्लस 2 का। ठीक है, और इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को। चलिए इसे सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर देखिए, जो निकल होता है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 28। एंड इफ़ वी डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, तो देखिए आर्गन के साथ अगर हम करेंगे, दैट मीन्स इनर्ट गैस के साथ, तो इट विल बी 3d8 एंड 4s2। बट अगर निकल 2+ का हम निकाल रहे हैं, दैट मीन्स तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लॉस कर देगा ये, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लॉस हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3d8 जो ऑर्बिटल है वो लेफ्ट रहेगी। तो अगर हम इसको ऑर्बिटल्स में फिल करें इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए जो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2। डैट मीन्स जो वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। और एज आई हैव टोल्ड यू कि हम
मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने का, रूट एन एन प्लस टू. एन आपको पता है कि 2 है, तो डैट मीन्स आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन 2 2 प्लस 2, डैट विल बी 8, एंड द वैल्यू ऑफ रूट 8 विल बी 2.82 बोहर मैग्नेटॉन. तो चलिए देख लेते हैं द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Which of the following configuration are expected to have contribution in the tetrahedral field? आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फिग्रेशन जो आपको दे रखा है इसमें आर एक्सपेक्टेड टू हैव, उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि उसके पास कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें से कौन है जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए, कौन सा कॉन्फिग्रेशन. तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं. दैट मींस यहाँ पर ऑप्शन डी आपको दे रखा है, बोथ बी एंड सी. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच शोज टीआईपी, दैट मींस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म से यहाँ पर आपका सेंस है, डैट मीन्स वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिज्म. लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका जो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जिनमें आप अगर ग्राउंड स्टेट में उसका कॉन्फिग्रेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं उनके ऑर्बिटल्स में इवन इन ग्राउंड स्टेट, तो अगर उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ठीक है, फिर भी वहाँ पर वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक ही होते हैं. बट हम उन्हें वहाँ पर डायामैग्नेटिक ना बोल के हम क्या बोलते हैं, दे शोज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म. हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिर वो नेचर से डेविएशन शो कर रहे होते हैं ना, डैट्स वाई वी विल कॉल इट एज लाइक दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन नंबर 8, डैट इज MnO4-. थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक, प्रेस द लाइक बटन, एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट. And if you have not still share the videos with your friends, so make sure please share all the videos with your friends so that they would be take benefit of it. Okay, thank you friends.